ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों आज राशि के अनुसार उपाय जान रहे हैं जो कि दिलाएंगे आपको सुख समृद्धि और धन। हाँ, ब्रेक से पहले हमने छह राशियों की बात की थी, चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि वाले सभी जातकों के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, यदि आपको बिजनेस में लॉस हो रहा हो तो दीपावली के दिन बड़ के पेड़ के पत्ते पर सिंदूर और घी को मिक्स करके ओम श्रीम शिये नमः लिखिएगा। ओम श्रीम शिये नमः मंत्र लिखिएगा, बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए दीपावली की सुबह स्नान आदि क्रम से निवृत्त होने के पश्चात लक्ष्मी मंदिर में जाकर 11 नारियल अर्पण कर दीजिएगा। दीपावली की रात स्फटिक या कमल गट्टे की माला से ओम रिम क्लिम श्रीम, ओम रिम क्लिम श्रीम, ओम रिम क्लिम श्रीम इस मंत्र का जाप करना है। दीपावली के दिन श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, आपको प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। सभी प्रकार के दुख रोग दरिद्रता का नाश होता है, सभी प्रकार के भौतिक सुख शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दीपावली पर सूर्य यंत्र मंगल यंत्र अभिमंत्रित करके घर के मंदिर में एक वर्ष के लिए रखिए, प्रतिदिन उसके दर्शन करें पूजन करें, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, यश मिलता है। अगली जो राशि वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, यदि आपको धन की इच्छा है तो दीपावली के दिन अपने घर के बगीचे या बरामदे में केले के दो पौधे लगाइएगा, उनकी देखभाल कीजिएगा। परंतु ध्यान रखिए यदि फल आने लग जाए तो फलों का सेवन न करें। यदि परिवार में बहुत ज़्यादा कलह कलेश रहता हो, अशांति का माहौल रहता हो तो दीपावली की रात नाग केसर का पुष्प लाकर घर में कहीं रख दीजिए जहाँ उसे कोई देख न सके, निश्चित तौर में परिवार में शांति का वातावरण हो जाएगा। दीपावली की रात स्फटिक या कमल गट्टे की माला से ओम ऐं क्लीं सौः, ओम ऐं क्लीं सौः इस मंत्र का जाप कीजिए। दीपावली के दिन गुरु यंत्र व बुद्धि यंत्र अभिमंत्रित करके घर के मंदिर में एक वर्ष के लिए स्थापित कर दीजिए, प्रतिदिन दर्शन कीजिए पूजन कीजिए, माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी आपकी। मंगल यंत्र के सम्मुख दीपावली से शुरू करके नित्य ऋण हर्ता मंगल स्त्रोत का पाठ कीजिएगा, शीघ्र ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी, धन की बरकत होने लगेगी। अगली जो राशि वह धनुराशि। धनुराशि के जो दर्शक है, धन प्राप्ति के लिए दीपावली के दिन पान के पत्ते पर रोली से श्रीम लिखकर अपने पूजा स्थान पर रखिएगा, रोज उसकी पूजा करें। दीपावली की पूजन करते समय माता लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला अर्पण करें, साथ ही कमल का पुष्प अर्पण करें, दोनों ही चीजें माता को अति प्रिय हैं। दीपावली की रात स्फटिक या कमल गट्टे की माला से ओम रिम क्लिम सहो, ओम रिम क्लिम सहो, ओम रिम क्लिम सहो इस मंत्र का जाप कीजिएगा। दीपावली के दिन शनि यंत्र और शुक्र यंत्र अभिमंत्रित करके अपने घर के मंदिर में एक वर्ष के लिए स्थापित कीजिएगा, प्रतिदिन दर्शन कीजिएगा पूजन कीजिएगा, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। चलिए दर्शकों आखिर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंतिम तीन राशियों की, उनके दिवाली विशेष राशिफल की, जो कि मकर कुंभ और मीन राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, यदि काफ़ी समय से आपका कहीं धन अटका हुआ है, रुका हुआ है, कोई पैसा आपका वापस नहीं दे रहा है, तो दीपावली की रात आग की रोई का दीपक घर के ईशान कोण में जलाइएगा, रुका हुआ धन मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। वहीं हमारे वो दर्शक जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, तो दीपावली के दिन भगवान विष्णु की पूजा कीजिएगा, पीला वस्त्र अर्पण कीजिएगा, पीली मिठाई अर्पण कीजिएगा, पीले फल अर्पण कीजिएगा। दीपावली की रात स्फटिक या कमल की माला से, कमल गट्टे की माला से ओम ऐं क्लीं सौः, ओम ऐं क्लीं सौः, ओम ऐं क्लीं सौः इस मंत्र का जाप करेंगे। दीपावली के दिन शनि व मंगल यंत्र अभिमंत्रित करके घर के मंदिर में एक वर्ष के लिए स्थापित कर दीजिएगा, नित्य दर्शन कीजिएगा पूजन कीजिएगा, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी। दीपावली के दिन शनि यंत्र को घर की पश्चिम दिशा में नीले कपड़े के आसन पर स्थापित करके नित्य शनि के मंत्रों से जाप करें, तेल का दीपक जलाएं तो जातक धनी बनता है, साथ में कोर्ट कचहरी इत्यादि से मुक्ति मिलती है, घर की संतान जो है गलत संस्कारों में पड़ने से बचती है। बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, धन प्राप्ति के लिए दीपावली की रात नारियल के कठोर आवरण में घी डालकर लक्ष्मी जी के समक्ष दीपक जलाइए, यह दीपक रात भर जलने दीजिए। और जीवन साथी के साथ यदि आपकी बनती नहीं है, लाइफ पार्टनर के साथ में झगड़े होते रहते हैं, तो दीपावली के दिन साबूदाने की खीर बनाइए, उसका भोग माँ लक्ष्मी को लगाए, फिर दोनों जने उस भोग को ग्रहण करें, निश्चित तौर पे आपका दाम्पत्य जीवन जो है उसमें मधुरता आने लगेगी।
दीपावली की रात स्फटिक या कमल गट्टे की माला से ओम रिम ऐम क्लीम सहो श्रीम, ओम रिम ऐम क्लीम श्रीम, ओम रिम ऐम क्लीम श्रीम इस मंत्र का जाप कीजिएगा। दीपावली के दिन गुरु यंत्र अभिमंत्रित करके घर के मंदिर में एक वर्ष के लिए स्थापित कर दीजिएगा। नित्य दर्शन कीजिएगा, पूजन कीजिएगा, माँ लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी। अमावस की रात आने से पहले शनिवार वाले दिन घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई कर दीजिएगा। जितनी भी नेगेटिव जो चीज़ें घर में अटाला वगैरह जो भी पड़ी टूटी चीज़ें घर से निकाल दीजिएगा और सभी सामान को व्यवस्थित रखिएगा, घर में लक्ष्मी आती है। अंतिम जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, यदि आप बहुत ज़्यादा शत्रु पक्ष से पीड़ित हैं, कोर्ट कचहरी से पीड़ित हैं, तो दीपावली की रात कपूर के काजल से शत्रु का नाम लिखकर अपने पांव से उसको मिटा दीजिएगा। शत्रु जीवन में आपको परेशान नहीं करेगा। धन का लाभ प्राप्त करने के लिए दीपावली के दिन लक्ष्मी मंदिर में जाकर कमल के पुष्प नारियल अर्पण कीजिएगा, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाइएगा, धन की समस्या समाप्त होगी। दीपावली की रात स्फटिक या कमल गट्टे की माला से ओम रिम क्लीम सहो, ओम रिम क्लीम सहो, ओम रिम क्लीम सहो इस मंत्र का जाप कीजिएगा। दीपावली के दिन शनि और मंगल यंत्र अभिमंत्रित करके घर के मंदिर में एक वर्ष के लिए स्थापित कीजिएगा। नित्य दर्शन पूजन कीजिएगा, लक्ष्मी जी प्रसन्न रहेंगी। दीपावली के दिन 11 हल्दी की गांठों को पीले कपड़े में रखकर ओम वक्टुंडाय हुम, ओम वक्टुंडाय हुम, ओम वक्टुंडाय हुम इस मंत्र का जाप करके 11 माला जाप कीजिएगा और उस हल्दी की गांठों को तिजोरी में रख दीजिएगा। रोजाना वहाँ दीप दर्शन कीजिएगा। व्यापार में 4 चौगनी उन्नति वृद्धि होने लगेगी। धन हानि का जो प्रभाव है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो दर्शकों, जाना आपने दिवाली विशेष राशिफल। पंडित जी, दिवाली पर घर के बाहर जो निशान होते हैं जिन्हें कि शुभ या फिर अशुभ माना जाता है, तो उन निशानों के बारे में जानना चाहेंगे हम आपसे। दोस्तों, इस बार की धनतेरस दीपावली, इन दोनों पे धन लक्ष्मी आपको कर सकती है मालामाल, अगर आप अपने घर के बाहर कुछ निशान लगा दीजिए। दोस्तों, दीपावली रोशनी और खुशहाली का पर्व है। दीपावली के दिन भगवान गणेश जी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गणेश जी और लक्ष्मी जी उस घर में रहने के लिए आते हैं जिस घर में उनकी पूजा होती हो, सत्कार होता हो। चूंकि गणेश पूजा के बिना कोई भी पूजन अधूरा होता है, इसलिए लक्ष्मी जी के साथ भगवान गणेश की पूजा करना मत भूलिए। घर को साफ सुथरा करके रंगोली और स्वस्तिक बनाने की परंपरा है। स्वस्तिक जो है वो गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। सभी मांगलिक चिन्हों में स्वस्तिक जो है सबसे कल्याणकारी चिन्ह है। इस चिन्ह को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। शुभ कार्यों में आम की पत्तियों को घर के दरवाजे पर बांधा जाता है, तोरण जिसको कहते हैं, क्योंकि आम की पत्ती, इसकी लकड़ी और इसका जो फल है, शास्त्रों की दृष्टि से बहुत शुभ माना जाता है। कोई मंगल प्रसंग हो उसके अवसर पर पूजा स्थान और दरवाजे की चौखट और प्रमुख दरवाजे के आसपास स्वस्तिक चिन्ह बनाने की परंपरा है। ऐसे स्वस्तिक बिल्कुल रिजल्ट नहीं देते हैं जिनका रिलेशन प्लास्टिक से बना हुआ स्वस्तिक हो, लोहे से बना स्वस्तिक हो, स्टील से बना स्वस्तिक हो। ऐसे स्वस्तिक भूल के भी घर पे मत लगाइए। सोना, चांदी, तांबा, पंच धातु या आम की लकड़ी से बने स्वस्तिक जो है प्राण प्रतिष्ठित करवाकर चौखट पर लगाने से सुखद परिणाम देते हैं, जबकि रोली, हल्दी, सिंदूर से बनाए गए स्वस्तिक सिर्फ संतुष्टि देते हैं। तो अगर आप मालामाल बनना चाहते हैं, पारिवारिक प्रगति चाहते हैं, तो ऐसे स्वस्तिक यंत्र रवि पुष्य के दिन, दीपावली के शुभ अवसर पर, धन तेरस के शुभ अवसर पर श्री लक्ष्मी यंत्र के साथ में श्री यंत्र के साथ लगाना लाभदायक रहेगा। तो आप सभी को आने वाले त्योहारों की मंगल कामनाएं। माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर, भगवान धन्वंतरी, यमदेव का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। आप सभी का कल्याण हो। तो दर्शकों, हम आशा कर देंगे हमारे कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दिवाली विशेष राशिफल हमारे जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन सभी को बताने के लिए। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।